जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के शेयर के बारे में बात करने वाला मैं इस वीडियो में। लेकिन पता होगा आपको, पिछले अगर मैं एक मंथ की बात करूंगा तो आपको एक समय वो आया था जो तो इसमें कम से कम 20 रुपये के आसपास का आपको जंप देखने को मिल रहा था। लेकिन मार्केट अचानक से गिरावट हुई है, मार्केट में जो न्यूज़ आई थी उस न्यूज़ का असर काफ़ी बड़ा पड़ा है। तो एक तो यहाँ पर बात नोटिस करनी जैसी ये है कि एक न्यूज़ आती है अच्छी न्यूज़, उसका शेयर के ऊपर कितना असर पड़ता है। अगर एक बेड न्यूज़ आती है तो उसका असर कितना पड़ता है शेयर के ऊपर, ये बात आपको क्लियर पता है, आपको मुझे दोनों पता है। अब सवाल अभी आ रहा है कि क्या प्राइस लेके चलना है, इसमें कल टारगेट क्या होने वाले हैं, सारी बातें इस वीडियो में कवर करेंगे। पहली बात तो ये कि कल आपको 185 तक की प्राइस आपको इजीली देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आने वाले एक मंथ के अंदर आपको ये शेयर 200-320 रुपये की प्राइस आपको देने वाला है। जो भी मन में क्वेश्चन है आपका कमेंट कर सकते हो आप बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों पता होगा आपको कि जो भी जब शेयर रोक कर तेजी बनती है आपको तो कम से कम इजीली 20 रुपये के आसपास का आपको जम देखने को मिला है। लेकिन जब गिरावट होती है तो धीरे 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 मतलब सभी जो लॉस होता है, जो आपका प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट दोस्तों सभी सभी लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। जो लोग इसमें इन्वेस्ट करने सोच रहे हैं उनके बाद बोलूँगा मैं कि आपको वेट करना होगा थोड़ा बहुत, अगर स्टॉक थोड़ा नीचे आता है तो एंट्री ले सकते हो। लेकिन जो भी अभी इस प्राइस में एंट्री ले रहे उनको एक साल के लिए इन्वेस्ट करना होगा, एक साल के लिए आप उसको भूल जाओ। आपको आने वाले एक साल में कम से कम 600 रुपये की प्राइस आपको देखने को मिल जाएगी। धन्यवाद।